नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका तकनीकी वर्ल्ड के एक और मज़ेदार कैमरा कंपैरिजन वीडियो में। तो आज हम यहां पे कंपेयर करने वाले हैं इन दोनों ही स्मार्टफोन के कैमरास को, जो कि है Realme GT2 एंड Samsung Galaxy S20 FE 5G। अब इन दोनों का कंपैरिजन करने का एक सिंपल सा रीज़न ये है कि दोनों ही फ़ोन के जो प्राइस है वो काइंड ऑफ सिमिलर है। अराउंड 35,000 आपको दोनों स्मार्टफोन देखने को मिलते हैं। तो अगर आपका बजट 35,000 है एंड आप इन दोनों के बीच में इनकेस अगर कन्फ्यूज थे कि कैमराज कहाँ पर बेटर है, तो वो कन्फ्यूजन आपका यहाँ पे क्लियर होने वाला है। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा। अगर कैमरा सेटअप के बारे में बात करी जाए तो S20 FE में दिया गया ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप, प्राइमरी है 12 मेगापिक्सल का सेंसर OIS मिल जाता है, 12 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस है, 8 मेगापिक्सल का 3x टेलीफोटो लेंस है, फ्रंट में दिया गया 32 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा। Realme GT2 के बारे में बात करें तो अगेन ट्रिपल रियर कैमरे का सेटअप है, प्राइमरी है 50 मेगापिक्सल का सेंसर, सोनी का IMX766 है, यहाँ पे भी आपको OIS मिल जाता है, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस, अगेन सोनी का सेंसर है IMX355, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर है। फ्रंट की बात करी जाए तो मिलता है 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा, जो कि अगेन सोनी का सेंसर है IMX471। तो ऑन पेपर अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो FE में आपको एडवांटेज मिलता है, यहाँ पे टेलीफोटो लेंस मिलता है, यहाँ पे आपको वो चीज़ नहीं मिलती है। बाकी जो प्राइमरी है, फ्रंट कैमरा है, अल्ट्रा वाइड, इन तीनों ही कैमरास को हम कंपेयर करते हैं, अलग अलग कंडीशन में फोटोज लेते हैं, वीडियोस लेते हैं एंड देखते हैं कौन सी कंडीशन में कौन सा कैमरा बेटर परफॉर्म करता है। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। दोनों ही फोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे सरप्राइजिंगली Realme ने बेटर काम किया है। कलर्स वगैरह काफ़ी बेटर मैनेज करे हैं, बैकग्राउंड में जो डायनामिक रेंज है वो भी Realme में बेटर है, स्काई को वॉश आउट नहीं किया है। Samsung की बात करी जाए तो कलर्स को एकदम ही डल रखा है, स्किन टोन भी इतना अच्छे से मैनेज नहीं करा है, बैकग्राउंड में स्काई वाले पार्ट को वॉश आउट कर दिया है। जूम इन करेंगे, डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो काइंड ऑफ इक्वली है, Samsung में थोड़ा सा बेटर देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा डिफरेंस नहीं है। बट ओवरऑल जो चेहरा है उसको एकदम ही वियर्ड बना दिया है, जबकि Realme ने यहाँ पे उस मामले में भी बेटर काम किया है। तो ओवरऑल यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो Realme ने बेटर काम किया है। डेलाइट कंडीशन में प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज, दोनों ही फोन ने काफी अच्छा काम किया है। अब यहाँ पे Realme में आपको थोड़े से बूस्टेड कलर्स देखने को मिलते हैं, Samsung ने यहाँ पे एकदम ही नेचुरल कलर्स दिखाए हैं। स्किन टोन की बात करी जाए तो Realme ने थोड़ा सा ज्यादा ब्राइट दिखाया है, Samsung ने यहाँ पे एक्चुअल स्किन टोन दिखाया है। यहाँ पे जूम इन करेंगे, डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो दोनों का ही इक्वल है, बट Realme में थोड़ा सा ज्यादा शार्पनेस आपको नोटिस हो जाएगा। डायनामिक रेंज की अगर बात करेंगे तो दोनों का ही अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एज डिटेक्शन के मामले में मुझे यहाँ पे दोनों में से किसी भी फोन में कोई भी इश्यू नहीं लगा है एंड बाकी कलर्स वगैरह यहाँ पे Samsung में नेचुरल है, Realme में थोड़े से बूस्टेड है। डेलाइट कंडीशन में ही अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस एंड यहाँ पे आपको डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। Samsung में एक तो आपको फील्ड ऑफ व्यू ज्यादा देखने को मिल जाता है, उसके अलावा जो कलर्स वगैरह वो थोड़े से नेचुरल की तरफ होते हैं, Realme थोड़े से कलर्स को बूस्ट करता है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस नोटिस करेंगे तो Samsung में थोड़ा सा बेटर देखने को मिलता है। वहीं पे अगर डायनामिक रेंज की बात करी जाए तो दोनों में ही इक्वल है। डेलाइट कंडीशन में ही प्राइमरी कैमरा से निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटोस एंड यहाँ पे अगेन दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा है, बट अगेन यहाँ पे भी वही डिफरेंस है, Samsung में आपको थोड़े से कम बूस्टेड कलर्स मिलते हैं, ज़्यादा क्लोज टू नेचुरल कलर्स मिलते हैं, Realme थोड़े से कलर्स को बूस्ट करता है एंड उसके अलावा यहाँ पे जो Samsung है उसका परफॉर्मेंस कंसिस्टेंट है, Realme का परफॉर्मेंस इतना कंसिस्टेंट नहीं है। कुछ कंडीशन में कलर्स को बूस्ट करता है, कुछ कंडीशन में थोड़े से डल भी दिखाता है, तो ये डिफरेंस है एंड उसके अलावा थोड़ी सी ज़्यादा ब्राइट इमेज दिखाता है Realme, जबकि Samsung यहाँ पे सारी चीज़ों को सही तरीके से बैलेंस करता है। तो प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस में यहाँ पे इतना बड़ा डिफरेंस तो नहीं है, बट अगर किसी एक को पिक करना हो तो मैं Samsung का आउटपुट पिक करूंगा, बिकॉज वहाँ पे कंसिस्टेंसी ज़्यादा है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है एंड यहाँ पे मुझे Realme की इमेज बेटर लग रही है, स्किन टोन को बेटर मैनेज करा है, Samsung ने यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा कूलर टोन ऐड कर दिया, स्किन टोन एकदम ही चेंज कर दिया है एंड उसके अलावा यहाँ पे ओवरऑल इमेज है उसमें जो कलर्स वगैरह वो भी थोड़े से डल लग रहे हैं, तो उसी वजह से मुझे यहाँ पे Realme का आउटपुट थोड़ा सा बेटर लग रहा है, बिकॉज स्किन टोन वगैरह उसने काफ़ी बेटर मैनेज करा है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस देखते हैं तो दोनों का ही अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, एज डिटेक्शन यहाँ पे दोनों ही फोन ने अच्छे तरीके से कर लिया है, कोई भी इश्यू नहीं है। ये डायरेक्शन लाइट में मैंने फोटो निकाली है एंड यहाँ पे अगेन आप देख सकते हैं दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट जो स्किन टोन वगैरह है, जो कलर्स है, मुझे Realme के बेटर लगे हैं। इंडोर कंडीशन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस निकाली गई फोटो है, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि Samsung ने बेटर काम किया है, कलर के मामले में ज़्यादा ब्राइट आउटपुट दिया है, Realme का आउटपुट यहाँ पे इतना ज़्यादा ब्राइट नहीं है, बट ओवरऑल जो फेस है उसको बेटर मैनेज करा है, Samsung ने अगेन यहाँ पे थोड़ा सा वियर्ड बना दिया है। जूम इन करेंगे तो क्लियरली यहाँ पे Samsung बेटर है, डिटेलिंग शार्पनेस भी बेटर है।
इंडोर प्राइमरी कैमरा से निकाली गई इमेज है। अगेन दोनों ही फोन ने अच्छा काम किया है, बट अगेन कलर्स के मामले में सैमसंग आउटपुट पिक करूंगा। रियलमी ने यहाँ पे कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट कर दिया, स्किन टोन को कुछ ज़्यादा ही ब्राइट बना दिया, सैमसंग ने काफ़ी अच्छे से मैनेज किया है। यहाँ पे अगर आप जूम इन करेंगे तो डिटेलिंग एंड शार्पनेस दोनों का ही काफ़ी बढ़िया है, उसमें यहाँ पे कोई भी डिफरेंस नहीं है। इंडोर पोर्ट्रेट मोड को यूज़ किया है। एज डिटेक्शन के मामले में यहाँ पे मुझे कोई भी इश्यू नोटिस नहीं हुआ है, दोनों ही फोन ने अच्छे तरीके से कर लिया है। आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में निकाली गई कुछ ऑब्जेक्ट की फोटो है एंड यहाँ पे अगेन आपको वही डिफरेंस नोटिस हो जाएगा। सैमसंग में थोड़े से कम बूस्टेड कलर्स आते हैं, क्लोज टू नेचुरल आउटपुट है, थोड़ा सा कूलर आउटपुट है। रियलमी में थोड़े से ज़्यादा बूस्टेड कलर्स आते हैं एंड उसके अलावा जो डिटेलिंग एंड शार्पनेस वो काइंड ऑफ इक्वल है, इतना डिफरेंस पता नहीं चलता है। फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, इन दोनों इमेज काफ़ी बढ़िया आई हुई है एंड दोनों इमेज यहाँ पे मुझे सही लग रही है, बट रियलमी का आउटपुट मुझे थोड़ा सा बेटर लग रहा है, ज़्यादा ब्राइट आउटपुट आया है, देखने में इमेज अपीलिंग लग रही है। सैमसंग का आउटपुट भी काफ़ी सही है, सारी चीज़ों को काफ़ी अच्छे तरीके से मैनेज किया है एंड स्किन टोन वगैरह वहाँ पर भी काफ़ी बढ़िया है। डिटेलिंग एंड शार्पनेस आप नोटिस करते हैं तो दोनों का ही अच्छा है। पोर्ट्रेट मोड को ऑन किया है, दोनों ही फोन ने यहाँ पे एज डिटेक्शन अच्छे तरीके से कर लिया है। ये थोड़ी सी डिफिकल्ट कंडीशन थी, यहाँ पे आप देख सकते हैं कि रियलमी ने एज डिटेक्शन अच्छे से कर लिया है, बट सैमसंग ने जो बैकग्राउंड में पेड़ था उसको भी यहाँ पे ब्लर आउट नहीं करा है, तो ऐसे डिफिकल्ट कंडीशन में क्लियरली रियलमी ने बेटर काम किया है। लो लाइट में फ्रंट कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है, दोनों का ही परफॉर्मेंस यहाँ पे मुझे एवरेज लगा है। नाइट मोड को एनेबल करने के बाद दोनों का ही परफॉर्मेंस इंप्रूव होता है, बट स्टिल अभी भी जो आउटपुट है वो मुझे इतना अच्छा नहीं लगा है। रियर कैमरा से निकाली गई इमेज है, विदाउट नाइट मोड है, नाइट मोड को एनेबल करने के बाद दोनों में ही इंप्रूवमेंट देखने में आता है एंड यहाँ पे मुझे दोनों का ही परफॉर्मेंस अच्छा लगा है। चलिए अब वीडियो में आगे बढ़ते हैं एंड कुछ वीडियो के सैंपल भी देख लेते हैं। तो दोनों ही फोन में फ्रंट कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड अगेन 1080 पिक्सल 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज अगेन रियलमी में आप मैक्सिमम वहीं तक शूट कर सकते हैं। सैमसंग की बात करी जाए तो 4K 30 का भी ऑप्शन है, 4K 60 का भी ऑप्शन है, 1080 60 का भी ऑप्शन है, तो उस मामले में क्लियरली सैमसंग बेटर है। बाकी यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी वगैरह किस तरह की है एंड लाइट कंट्रोल यहाँ पे मुझे क्लियरली विजिबल है, सैमसंग का काफ़ी बेहतर है। रियलमी यहाँ पे ओवर एक्सपोज कर रहा है बैकग्राउंड में जो भी लाइट आ रही है। अभी मैं शेडोड एरिया में वॉक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी देख लेते हैं एंड लाइट कंट्रोल भी देख लेते हैं। तो ईआईएस तो दोनों में यहाँ पे ठीक से वर्क कर रहा है जैसे आप देख सकते हैं एंड स्टेबल भी दोनों ही फोन की फुटेज लग रही है। बाकी ओवरऑल आपको कौन सी फुटेज ज़्यादा बेटर लगी वो आप मुझे बताइए। दोनों ही फ़ोन में प्राइमरी कैमरा से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 पिक्सल 60 FPS पे शूट कर रहा हूँ। 4K 60 पे भी आप दोनों ही फ़ोन में शूट कर सकते हैं, तो आप देख सकते हैं 1080 60 पे फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, लाइट कंट्रोल किस तरह का है, कौन सा फ़ोन बेटर मैनेज कर रहा है, कौन सा फ़ोन तेज़ी से मैनेज कर रहा है एंड अभी हम वॉक कर लेते हैं, स्टेबिलिटी भी देख लेते हैं। दोनों में ही आपको OIS मिल जाता है, EIS भी मिल जाता है, तो फुटेज तो यहाँ पे दोनों ही फ़ोन की मुझे ऑन स्क्रीन स्टेबल दिख रही है। बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो आप लोग बेहतर जज कर पाएंगे। तो दोनों ही फ़ोन में अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस से शूट कर रहा हूँ एंड 1080 30 FPS पे शूट कर रहा हूँ, बिकॉज रियलमी में आप मैक्सिमम वहीं तक शूट कर सकते हैं अल्ट्रा वाइड से, जबकि सैमसंग में आपको 4K का भी ऑप्शन देखने को मिलता है। तो 1080 30 पे आप लोग देख सकते हैं फुटेज की क्वालिटी किस तरह की है, ऑडियो पिकअप किस तरह का है, डायनामिक रेंज किस तरह की है, लाइट कंट्रोल कौन से फ़ोन का बेटर है एंड वॉक कर लेते हैं, लेट्स सी स्टेबिलिटी के मामले में कौन सा फ़ोन बेहतर है। तो ऑन स्क्रीन तो मुझे स्टेबिलिटी दोनों ही फ़ोन की इक्वल लग रही है, बाकी आप लोग एक्चुअल फुटेज देख रहे हैं तो बेहतर जज कर पाएंगे। तो दोस्तों ओवरऑल अगर यहाँ पे रिजल्ट्स के बारे में बात करी जाए तो क्लियरली जो ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी है उसके मामले में मुझे सैमसंग का परफॉर्मेंस बेटर लगा है, कलर्स वगैरह वहाँ पे बेटर देखने को मिले हैं। प्राइमरी कैमरे का परफॉर्मेंस भी मुझे सैमसंग का बेटर लगा है, फ्रंट कैमरे का आउटपुट है वो मुझे रियलमी का बेटर लगा है, उसने बेटर परफॉर्म करा है। अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस में ह्यूमन सब्जेक्ट जहाँ पे आता है वहाँ पे रियलमी ने बेटर काम किया है। ऑब्जेक्ट की फोटोग्राफी में दोनों ही सिमिलर है एंड उसके अलावा यहाँ पे अगर वीडियोस के बारे में बात करी जाए तो वहाँ पे अगेन मुझे सैमसंग का आउटपुट बेटर लगा है, वहाँ पे आपको बेटर ऑप्शन देखने को मिलता है स्पेशली फ्रंट कैमरा में, जो कि आपको रियलमी में देखने को नहीं मिलता है। अभी उसके अलावा सैमसंग में यहाँ पे आपको एक एडवांटेज ये भी मिल जाता है, अगर आप जूम इन वगैरह करना चाहें तो डेडिकेटेड टेलीफोटो लेंस दिया गया है, जो कि अगेन आपको रियलमी में देखने को नहीं मिलता है। तो क्लियरली यहाँ पे सैमसंग में आपको ज़्यादा एडवांटेज देखने को मिलते हैं कम्पेयर टू रियलमी एंड वैसे कैमरास अगर आप देखते हैं तो दोनों के ही अच्छे हैं, बट अगर सेम प्राइस में दोनों ही फ़ोन मिल रहे हैं किसी एक को पिक करना हो तो मैं पर्सनली सैमसंग को पिक करूंगा, बिकॉज वहाँ पे आपको जूम इन का एक एडवांटेज देखने को मिलता है, फ्रंट कैमरा में भी आपको वीडियोस वगैरह में एडवांटेज देखने को मिलता है। तो बस अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही था, मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।
मैं मिलूंगा आपसे अपनी अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।